शहजाद का सलाम हो। आज हम बड़ी ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इसको हम दो स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल करना है सिर्फ नमक के साथ, और हमने जो है लहसुन और अदरक की पेस्ट डालनी है, और बाकी मसाला जो है हम बाद में बनाएंगे। तो चलें, सबसे पहले जो काम करना है वो हम चिकन को बॉईल करते हैं, और साथ ही हमने जो इसका मसाला है वो हम इसको बाद में बताएंगे, और साथ साथ आपको तमाम चीज़ें जो है साथ साथ बताते जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, हमने इसको गर्म किया और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और साथ ही हमने जो है चिकन को इसमें डाल देना है। ये बोनलेस हमारे पास है, 2 अदद ब्रेस्ट के पीसेस थे जो कि हमने धो लिए, काट लिए इनको। हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और लहसुन अदरक की जो पेस्ट है वो हम डाल के इसको पकाते हैं पहले। अब हमने कढ़ाई में चिकन को डाल दिया, थोड़ा सा पानी हमने डाला और साथ ही हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी, और साथ हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक डाल देंगे, थोड़ा सा अभी डालेंगे और थोड़ा सा जो है वो हम मसाले में डालेंगे। और साथ ही हम इसमें एक और काम करेंगे, वो हम इसमें खड़ा मसाला जो है ये हम इसमें डाल देंगे। लौंग है हमारे पास, काली मिर्च है, थोड़ा सा जीरा है हमारे पास, और साथ ही हमारे पास जो है सिनेमन स्टिक है, दालचीनी के टुकड़ा है हमारे पास 2 अदद, ये हम साथ ही इसमें डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है चिकन के साथ ही चला जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, आप इसमें पानी ना भी डालें तो ये जो है चिकन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर चिकन को देख लेते हैं, थोड़ा सा हमने पानी डाला था, बाकी जो है ये चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, इसको हम पकने देते हैं। अब दूसरी तरह हम आपको मसाले जो इसमें डालने हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार करने के लिए हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे, वो काट लिए, और साथ ही हमारे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, छोटे हों तो आप 4 से 5 जो हैं वो ले सकती हैं। साथ ही हरी मिर्च की पेस्ट है हमारे पास, ये हमने ली है, कुटी हुई लाल मिर्च जो थी ये हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा जो है ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे। साथ ही हमारे पास मिर्च है और थोड़ा सा नमक हमने पहले डाला था, थोड़ा सा अभी डालेंगे। हरी मिर्च जो है वो हम लेंगे यहाँ पर, और 1-1 टीस्पून जो है हम धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जो है ये हम डालेंगे। तो बस ये मसाले हैं जिनसे हमारी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो तैयार होगी, धनिया हम बाद में डालेंगे। अब हम यहाँ पर चिकन को निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब हम ऑर्डर देते हैं कढ़ाई का, चिकन हो या बीफ हो, तो वो यहाँ तक की जो बुनाई है वो कर लेते हैं, यहाँ तक चिकन या बीफ या गोश्त जो है जो पकाना होता है वो यहाँ तक पका लेते हैं, उसके बाद जो है वो बाकी मसाला जो हमने आपको बताया वो तैयार करके मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाती है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और दूसरी तरफ मसाला तैयार करते हैं। अब दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल जो था वो ज़्यादा डाला, क्योंकि देखिए हमने प्याज़ों को फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हमने करना है। ऑयल जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा जो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, उसके बाद जो है बाकी मसाले जो है वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे प्याज जो थे लाइट गोल्डन हुए, हमने साथ ही टमाटरों को भी डाल देना है ताकि दोनों मसाले हमारे साथ ही तैयार हो जाएं, क्योंकि हमने प्याज़ों को ज़्यादा जलाना नहीं है, ना ही हमने इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने टमाटर लगा दिए, जिस तरह आपने टमाटरों को लगा के इनको कवर कर देंगे हम। अब यहाँ से 2 से 3 मिनट तक हम इनको पकने देंगे। अब यहाँ पर हम तमाम टमाटरों के जो छिलके हैं पील से इनको ये देखिए इस तरह करके निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से मैश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह तमाम टमाटरों के छिलके उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम लहसुन और अदरक की जो पेस्ट थी 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे, और तमाम मसाले जो हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे नमक के साथ। नमक आप चेक कर लीजिए, और जो हरी मिर्चों की पेस्ट थी ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, साथ साथ टमाटर जो थे ये भी हमारे मैश हो जाएंगे, और मसाला जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिए, किसी चीज़ की कमी हो तो आप इस टाइम डाल सकते हैं। अब इस मसाले में हम
ग्रीन मिर्चों की पेस्ट जो थी ये हम डाल लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 से 2 टेबल स्पून जो है आप डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें जो चिकन हमने पकाया था ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, हरी मिर्च डाल के आंच को तेज़ कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई हमारी मज़ेदार से बिल्कुल तैयार है। लेमन जूस डालेंगे, धनिया डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए। तो ज़बरदस्त ये कढ़ाई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े किए हमने टेस्ट किया। आप भी इसको अपने किचन में बनाएं और इंजॉय कीजिए, और जाते जाते हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक के, और हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को हिट कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।